राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही निकायों में ओबीसी आरक्षण की अधिकतम 14% सीमा की बंदिश खत्म होने जा रही है। सरकार अब आबादी के मुताबिक ओबीसी के लिए निकाय आरक्षण कर सकती है। एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट में दून नगर निगम ने 100 वार्डों में 12-12 एससी ओबीसी और एक वार्ड संरक्षित किए जाने की सिफारिश की है। लिहाजा जिला प्रशासन स्तर पर वार्ड आरक्षण पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं। प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि पिछले मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया गया था और अब राज्यपाल से इसकी मांग की गई है। भाजपा नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बिल्कुल, देखिए पिछले मानसून सत्र में जो है सरकार द्वारा ये विधेयक लाया गया था और अब राज्यपाल महोदय जी के वहां से हम लोगों को इस विधेयक पे मंजूरी मिल गई है, जिसमें ओबीसी आरक्षण जो तय सीमा तक 14% देने की बात हुई थी उसमें हुआ है। और अब नगर निकाय चुनाव जो है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आरक्षण का जो एक मुद्दा काफी टाइम से पेंडिंग था उसको पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय में इसमें आगे निर्देश मिल सकते हैं। और हमारी तरफ से नगर निकाय चुनाव की पूरी तैयारियां हैं और जिस प्रकार से अभी जो आरक्षण का है, जिसमें मेयर पद में 2 सीटें और नगर पालिका में 13 और नगर पंचायतों में भी 14-15 के जो सीटें हैं वो आरक्षित होंगी, तो इस मुद्दे को जो है सुलझा लिया गया है। आगे जो तैयारियां हैं वो हमारी पूरी है।